क्या हमारे बच्चे दूध पीते हुए स्वस्थ हैं या नहीं है, या जो हम लोग रेलवे स्टेशन पे चाय पीते हैं वो किस चाय दूध से बनती है, उस चीज़ पे हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। त्योहारों के दिनों में दूध का उत्पाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी खपत होनी बहुत मुश्किल हो पाती है। आज देश में जितनी भैंसें और गायें नहीं हैं उससे ज़्यादा की दूध की खपत है। जो भी दूध आप पीते हैं क्या वो आपकी सेहत में लगने लायक है या नहीं है, ये ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि नकली दूध का कारोबार बहुत जोरों पे चल रहा है। आइए हम लोग आज आपको दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके का दूध वो लोग बना के भेजते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक ज़रूरत पड़ती है रिफाइंड ऑयल की, और दूसरा कोई भी वाइट कलर का एक शैम्पू होना चाहिए, जो सिर्फ वाइट शैम्पू ही चलेगा, और तीसरा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी है और कुछ भी नहीं लिया है हम लोगों ने। हम लोग तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर रिफाइंड डाल लेते हैं, जितना हमें दूध बनाना होता है एक कप से आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और इसमें हम लोगों ने शैम्पू मिला दिया है, ये सिर्फ शैम्पू मिलाया है हम लोगों ने। इसको हम लोग अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स होगा, हम इसे हाथ से मिक्स कर रहे हैं लेकिन आप ये लोग मशीनों से मिक्स करते हैं, और इतना अच्छे से मिक्स करते हैं कि उसमें पता भी नहीं चल पाता है कि दूध है यह सिंथेटिक है। आप देख रहे होंगे ये अभी एक मक्खन जैसा इसके अंदर मेकिंग आ गई है। अभी हम लोग इसको और मेकिंग करते हैं, तो मेकिंग करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो दूध बन गया है। आपने देखा करीबन मैंने आधा कप दूध लिया, आधा कप घी रिफाइंड ऑयल लिया है, और उसमें करीबन आधा कप से कम मैंने शैम्पू लिया है, और आप देख रहे हैं ये करीबन 2 किलो दूध बन गया है हमारे सामने। अब हम लोग उसको जितनी ज़रूरत है, पहले इसको हमें मैश अच्छे से करना पड़ेगा, इसको मिक्स अच्छे से करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मिल जाए। दूध वाला पाउडर मिला देंगे तो उसकी खुशबू भी इसमें मर्ज हो जाती है, और बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता है दूध है या सिंथेटिक है। आप खुद सोचें कि अगर इस तरीके का दूध हम और आप पियेंगे तो हमारी सेहत कितनी बनेगी और कितनी नहीं बनेगी। इस दूध का कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, और पूरे देश के अंदर इस तरीके का दूध मिलता है। रेलवे स्टेशनों पे चाय आप देखेंगे तो कम से कम 98% तक आपको यही चाय मिलेगी, इसी दूध की चाय मिलती है। साथियों, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जितने भी दूध मिलते हैं या जितनी भी आपको चाय मिलती है वो अधिकतर इसी तरीके के सिंथेटिक तरीके से सिंथेटिक केमिकल्स की बनी हुई चाय होती है, जिनमें स्वाद के लिए इलायची पाउडर वगैरह डाल दिया जाता है, जो कई बार तो बहुत टेस्टी लगती हैं और कई बार उनका स्वाद भी नहीं आता है। स्वाद इसलिए नहीं आता, अगर वो इलायची के पैसे भी बचाता है तो आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, लेकिन अगर वो इलायची उसमें डाल देगा तो उसमें स्वाद आपको इतना भरपूर आएगा कई बार आपको लगता है कि एक चाय और पी लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डिसॉल्व करेंगे। ये मैंने इसमें पानी मिला दिया है। पानी मिलाने के बाद इसको हम लोग मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें पीलापन बिल्कुल चला गया है, क्योंकि अगर उसका मिक्सअप अच्छे से हो जाएगा, बड़े बड़े प्लांटों के अंदर इसको सिर्फ उससे मिला दिया जाता है, मशीनों से मिला दिया जाता है, और ये देखिए आप बिल्कुल ये दूध बन के तैयार हो गया है। ये केमिकल्स के अंदर भी जो फैक्ट्रीज होती हैं, आप देख रहे होंगे दूध बहुत बढ़िया सेपरेट है, इसमें झाग भी वही है, क्रीमीज भी है, सब कुछ इसमें तैयार हो गया है ये दूध बिल्कुल। और इस दूध को पीने से क्या होगा आप अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं। आपकी किडनी पे इफेक्ट करते हैं, आपकी हेयर्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपकी आईज प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, कोई भी दूध पीने से पहले उसकी क्वालिटी को बिल्कुल जाने, कहाँ से बन के आ रहा है, क्या है। इस दूध को हम लोग अब इस ग्लास में डाल देते हैं ताकि इसकी, यह एक दूध तैयार हो गया है, बिल्कुल खूबसूरत दूध है ये दूध तैयार हो गया है। और इसके अंदर जो आप झाग देख रहे हैं, शैम्पू के झाग नहीं है, ये दूध के झाग हैं। आइए इसे कुछ और भी करके देखते हैं, ये क्या हो सकता है इसके अंदर और परिवर्तन। दोस्तों, अब हम इस दूध का और इस्तेमाल करते हैं और हम लोग बनाते हैं इसकी चाय। चाय के लिए हमने बर्तन रखते हैं, जो मेथड होता है चाय का, वही चाय का मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। और आपने देखा कि मैंने पानी चढ़ा दिया है, हमारा दोस्तों पानी गर्म हो गया है, इसमें हम लोग डालेंगे अब चाय पत्ती डालते हैं। और
अगर आपको अदरक वगैरह पसंद है तो आप अदरक वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर, इलायची भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। जो भी आपका चाय बनाने का मेथड होता है आप उस तरीके मेथड से बनाएं चाय और बिल्कुल इसको इस्तेमाल करके जरूर देखें। अब हम ये दूध में उबाल आ गया है और आपने देखा था कि ये वाला हमारा दूध था, इसी दूध को हम इसके अंदर डालते हैं। मुझे फीकी चाय पसंद है इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपकी चाय में उबाल आता है बिल्कुल उसी तरीके से उबाल आ गया है। चाय हमारी फटी भी नहीं है और बहुत बढ़िया कलर भी आ रहा है इस चाय का, जैसे हमारी नॉर्मल चाय बनती है बिल्कुल वैसे ही चाय बनेगी है। अब हम लोग इसको चाय को रेंस करते हैं और ये हमने चाय ली और हमने इसे छानना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल बनके चाय तैयार हो गई है और ये चाय आप पी सकते हैं। मैं सिंथेटिक वाली चाय नहीं पीता हूँ और क्या आप पीते हैं नहीं पीते हैं तो ये बिल्कुल जान लें, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये चाय कितनी हेल्दी होगी। ये दूध और ये चाय, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हम लोग खुलासा करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देश को जागरूकता की तरफ ले जाने के लिए हमारा चैनल बिल्कुल तत्पर आ गया है।